एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक हमें बताया नहीं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर और कोई प्रतियोगिता हो। तो वीडियो को आप कंप्लीटेड देखिएगा और टाइम को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, यह कोई कार्य कैसे करती है? तो मनुष्य के निर्देशों पर प्रोग्राम के अनुसार। प्रश्न नंबर टू, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डिजाइन की रचना किसने की? मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, आपने तो मेमोरी का नाम सुना होगा, जिसे हम चिप कहते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं, जिसे हम चलता फिरता इंसान कहते हैं कंप्यूटर का। दोस्तों, कंप्यूटर में कितने मेगावाट होता है? तो लगभग 1.5 मेगावाट का होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया? तो IBM। कंप्यूटर पर किस प्रोग्राम पर काम करने के लिए? तो वो है इनपुट डाटा की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ इसमें से किससे किया जाता है? वह पावर स्विच, पावर द्वारा, जो जैसे कि हम मोबाइल खोलते हैं तो पावर डाउन ऑफ होता है। तो आप फटाफट देखते जाइए। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार 1980 में हुआ। IBM ने बाजार में इसको उपलब्ध कराया बिल गेट्स। एप्पल कंप्यूटर की तो फटाफट आप देखिए कि IMAC G5 नामक कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो 2004 में। CPU को मानव मस्तिष्क का हृदय कहा जाता है, तो हृदय व दिमाग CPU को कंप्यूटर का। टॉप कंप्यूटरों में किसकी फीस होती है? कितनी कीज होती है? तो 101 से अधिक। वायरस प्रोग्राम क्या होता है? तो एक विनाशकारी होता है। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, किसके? तो वह है मैथ, गणित के। भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत हुई? तो 15 अगस्त 1995। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत हुई 1951 के दशक में।
माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1970 में। विज्ञान के चमत्कार का सबसे बड़ा सहयोग रहा सुपर कंप्यूटर पर। माउस और कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर को कमांड देने को कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्व, जिसे हम टच स्क्रीन कहते हैं माउस और कीबोर्ड के अलावा। बेसिक भाषा का विकास हुआ 1963-64 में। ये लैंग्वेज कोबोल एक लैंग्वेज है, भाषा है। कंप्यूटर की सी भाषा का विकास हुआ 1960 में। दोस्तों, ये लैंग्वेज बार बार आ रहा है, इसका मतलब होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। मेमोरी अगर पूछे कोई, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 29 में जो रैम है, 29 क्वेश्चन पे आप रिपीट पे जा सकते हैं। वर्ल्ड विंडो में स्क्रीन में सबसे नीचे होती है स्ट्रेस्ड बार। इंटरनेट पर इंटरनेट पर टाइप के दौरान वार्तालाप किए जाने को क्या कहते हैं? तो वो है चैट, जिसे आपने मोबाइल में सुना होगा। किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कॉपी करने को क्या कहते हैं? डाउनलोड। पंच कार्ड मशीन बनाई कब बनी थी? तो बता दूं, 1787 में। भारत में कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हुआ 1955 में। दोस्तों, मैं ये पे हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे, और आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं अगला वीडियो, जो कि हम 53 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लस हमें कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी कैसा लगा।